तुम अपनी तारीफ होने पे इतने ऑकवर्ड क्यों हो जाते हो? नहीं, ऑकवर्ड नहीं, आई जोरी की जरा है आदत, बोली जाता है बस। खुद तो तुम कुछ कहते नहीं हो, जोहरी कहता तो तुम कहते हो एग्जैजरेट कर रहे हो। अब अपने बारे में मैं क्या बोलूँ, मैंने जो कुछ ऐसा मैंने किया ही किया है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ या मेरा जिक्र हो रहा हो, बातें हो रही हूँ मेरी। फिर भी कुछ तो होगा। असल में मैं एक पूरी जिंदगी है जो मैं पीछे बस छोड़ा हूँ, तो कभी क्या जिक्र करना। तुम बस सोचोगे, तुम बस ये समझोगे जो मैं मतलब तुम्हारे सामने अभी हूँ ना, बस यही है। मैं मतलब मैं यही हूँ। इसे भी कौन सा पूरा जानती हूँ, खुद पर तो बात आने नहीं देते थे। अच्छा चलो, तुम पूछो जो तुम्हें पूछना। तुम सवाल पूछो, मैं जवाब दे दूँ। क्या जानना है तुम्हें बताओ। इंटरव्यू पे आए हो कि मैं सवाल करूँ और तुम जवाब दो? तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना कि तुम क्या फील करते हो, शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते, तो दैट्स फाइन। श्योर। नहीं, बात ट्रस्ट की भी नहीं है। मैंने तुझे कहा था ना उसे दूर रही, लेकिन नहीं, तेरे साथ रह रह के बिल्कुल तेरे जैसी होगी। यार तेरा ना हर आर्टिस्ट से डील करने का एक ही तरीका है, मतलब तू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि हर बंदे का एक थॉट प्रोसेस होता है, एक पर्सनैलिटी होती है। यही बातें तूने उसे कही होंगी, प्रोसेस, पर्सनैलिटी। तू नहीं, उसका दिमाग खराब किया। ठीक है भाई, मतलब तूने अपनी गलती नहीं मानी। यार किसी की गलती नहीं है, बस जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। समझा इस बात को पूरा। यार समझा तो दूं, फोन तो उठाए मेरा, कोई और नंबर नहीं उसका? पहला ही इतनी मुश्किल से दिया और कैसे दिमाग। तो बस फिर वेट करते हैं। दोबारा करें, लेफ्ट पैर पे ज्यादा वेट पड़ रहा, वो लिगामेंट रप्चर हुआ है। डॉक्टर को दिखाया? रिहैब। चल फिर, लेट्स होप खुद ही रब्ता कर ले। फिर वही कर रहा है ना? यार कॉल कर। देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।